Hey yo, what's up? Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि what demons, supernatural powers like God, angels, anything your spirit guides are trying to contact you. What are they trying to tell you, okay? एंड योर न्यू डेस्टिनी, आपकी ये नया भाग्य, आपका नया किस्मत, और वो क्या है, कैसे आपकी भाग्य चेंज हुई है. एंड या लेट्स स्टार्ट. आप अपना पाइल चूज़ कर लें, बाकी बातें आपकी रीडिंग पे होती हैं. पाइल वन एंड पाइल टू बट डेट्स हैं. डेट्स पाइल वन एंड पाइल टू, ठीक है. सो चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंगली एंड आई विल मीट यू इन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हे यो हे यो हे यो, पाइल नंबर वन, कम ऑन, लेट्स सी व्हाट्स देयर फॉर यू. व्हाट इज इन योर डेस्टिनी, व्हाट इज देयर फॉर माय लव. पाइल नंबर वन, ओके. You're having seven of water and eight of air, two of water, knight of air, queen of water. Pile one, आपके जो destiny है ना, destiny. मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपके कौन से जो है स्पिरिट गाइड्स एंजल आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं. पहले आप मुझे मेरी बात सुने. एक तो आपकी जो लाइफ में जो एक जो डबल माइंडेडनेस है ना, कि इनडिसीजन का मूड, एक तो वो ख़त्म हो रहा है. आपकी डेस्टिनी में एक नया शिफ्ट ये आया है कि टू ऑफ एयर इज़ गोइंग इन टू टू ऑफ वाटर. आई वॉन्ट टू से कि जो आपको लाइफ में, आपकी किस्मत में आपको लगता था ना कि मेरी मुझे कभी कुछ वर्थ वाइल चीज़ नहीं मिली, दैट इज़ गोइंग टू चेंज. दैट इज़ गोइंग इन टू समथिंग मोर क्लोज़र टू यू, दैट इज़ मोर कमिटेड. ओके, कमिटमेंट का इशू है बहुत सारे लोगों को. आपको हमेशा ये शिकायत रही है डिवाइन से कि मुझे कमिटमेंट नहीं मिलती, मैं कमिटमेंट चाहिए, मुझे रिलेशनशिप में एक श्योरिटी चाहिए, ठीक है, ऐसा पार्टनर चाहिए कि जिसको मैं अपना कह सकूं और मुझे डर ना लगे कि मुझे ये कब छोड़ कर चला जाएगा, राइट. एंड आई एम सी अ न्यू पर्सन एंटरिंग विद द नाइट ऑफ एयर आपके किस्मत में. एंड यू नो व्हाट, क्वीन ऑफ वाटर, लाइक दिस पर्सन इज़ सो एम्पैथेटिक, ठीक है. एंड नाइट ऑफ एयर बहुत जल्द, यू सी एट ऑफ एयर आपको अल्यूजन है, आपको ये सारा आपकी अपने बनाई हुई एक जिसे कहते हैं ना माइंड में आपकी चीज़ बैठ गई हुई है कि आई डोंट डिज़र्व एनी थिंग, डोंट डू दिस थिंग, ये मत करो, ठीक है. बिकॉज सम कुछ है, कोई है पर्सन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, क्या इनके प्लेसमेंट्स है एयर साइन की काफ़ी ज़्यादा. इट मीन्स अ न्यू कम्युनिकेशन, कोई आपको कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई आपसे बात करना चाहता है, और कोई है बहुत जल्दी में है. आई वॉन्ट टू टेल यू सेवन ऑफ कप्स, लाइक आपकी किस्मत में ना, मैं बताऊँ, एक ऐसी चीज़ है कि लाइक आपके, मैं अभी आपको इस डेक से बताती हूँ कौन से गॉड्स आपको, कौन से डायमंड्स एंजल्स आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं. मतलब वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके पास अब चॉइसेस होंगी. अभी तक आप एक दो बंदे के पीछे मर रहे थे ना, नो बेबी, यू आर मच मोर देन दैट, आप उससे कहीं गुने ज़्यादा डिजर्विंग हो. सेवन ऑफ वाटर, आई मीन आपको इतना मिलने वाला है कि यू विल बी हैविंग टू ऑफ एयर एनर्जी. मतलब आपसे डिसाइड नहीं हो पाएगा कि किसको चूज़ करना है, ठीक है. दिस वॉज द लव रीडिंग. लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं पहले ये बताऊँ आपको कि कौन से डिवाइन की पावर्स हैं आपको कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं. ओके जी, ये गॉडेस एथोर है, रिसेप्टिविटी. She is literally trying to contact you. Egyptian goddess है, ठीक है. And आपको ये कहा जा रहा है कि be in a receiving mode.
ठीक है, इन गॉडेस को ये शीज लिटरली ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, और आपको ये कहना चाह रही हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाएं, ठीक है। और आपको एक ये भी संदेश दिया जाए इनकी तरफ से कि आप अपने हाथ से कुछ दान ज़रूर करें, ठीक है। और अभी इन अ रिसीविंग मोड, पहला आपको ये मैसेज है। दूसरा गॉड जो है, कौन सी आपको गॉडेस कॉन्टैक्ट करना चाह रही हैं, ओके, ये है जी गॉडेस मैरी मैग्डलिन, अनकंडीशनल लव, ओके। इस सिचुएशन में एक अनकंडीशनल लव है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों को इन गॉडेस की तरफ से मैसेज है, आपको अपनी लुक्स या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के कोई इनफेरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको यह मैसेज दिया जा रहा है कि अब जो आपकी लाइफ में पर्सन आएगा ना, उसको इस चीज़ों से गर्ज नहीं होगी, ठीक है, कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपके लुक्स क्या है। इट विल बी एन अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगाएगा ये पर्सन, ठीक है। और आपको मैसेज है गॉडेस मावा है कि आप बस अपना काम करो, ठीक है। और स्पेशली कुछ लोग यहाँ पर एनवायरमेंटलिज्म में हैं, आई मीन धरती की सेवा, लोगों को आप कुछ करना चाहते हो उनके लिए, ठीक है, हेल्प वगैरह, या आपको यू वांट टू सेव एनिमल्स, यू वांट टू सेव बर्ड्स, ये सब चीज़ें हैं, यू वांट टू सेव सी क्रिएचर्स, राइट। सो बी पावरफुल गॉडेस वाइट तारा वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। इनके तरफ से आपको ये मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा दिल पे बात लेते हो, ये आपको कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा दिल पे हर बात ले लेते हो, आप बहुत ज़्यादा, वो कह रही है कि मुझे पता है कि आप हार्श एनवायरनमेंट में हो, आप हार्श रिलेशनशिप्स में हो, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, और कुछ लोग तो आई थिंक ड्रग्स या पिल्स वगैरह भी लेना शुरू हो गए हो टेंशन की वजह से। शी इज़ लिटरली टेलिंग यू कि माई चाइल्ड प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर्स, डोंट बी ओवर सेंसिटिव, इन चीज़ों पर ध्यान देना छोड़ दो, मैं बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा बड़ा करिश्मा जो है होने वाला है। तो या जी गॉडेस जेमिनी, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। जी ब्लैक कलर के कपड़े आपने पहने, एंड दिस गॉडेस इज लिटरली ब्लैक ट्राउज़र या शर्ट कुछ है ब्लैक, आपको आपके करियर में बहुत बड़ा आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है। कोई जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी है, या इवन स्टडी भी है, स्टिल कुछ इम्पोर्टेंट डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं, जो कि आपको वहाँ पर लेके जाएंगे जहाँ पे आपका ड्रीम पूरा होता है, ठीक है। व्हाट एल्स वांट्स टू कॉन्टेक्ट यू, गॉडेस आर्टिमाइस हैंड वी गार्डियन, में सेफ्टी इश्यूज हैं कुछ लोगों को, अपने घर में रहते हुए ही सेफ्टी इश्यूज हैं, ओह माय गॉड, इट्स सो पेनफुल टू लिसन टू दैट। आपके लिए मैसेज है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि किसी ने कोई जादू किया है, कोई स्पेल कर रहा है, कुछ इस तरह, नो, दिस गॉडेस रियली रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू, या आपको ऐसे मतलब ये सब स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने क्या करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, आप सबका रिलीजन जो जो भी है, ये सब स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि ऊपर डिवाइन सोर्स ने आपके लिए भेजे हैं आपको गाइड करने के लिए, ओके। दिस इज़ जस्ट अ गाइडेंस, प्लीज़ डोंट गेट इन टू थिंक के मतलब इतने सारे गॉड्स और ये सब चीज़ें, राइट, डोंट गेट इन टू दैट थिंग, दिस इज़ द स्पिरिचुअलिटी, मैं आपको स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है। आई नो एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाई गॉड, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स जो हैं वो भी गॉड के क्रिएटेड हैं, बट उनका कोई मकसद है स्पिरिट गाइड्स का, जो कि उनका यही मकसद है कि हमें गाइड करें, ठीक है। तो या व्हाट एल्स, गॉड इज सूली सैंडी बी बॉडीज ऑफ वाटर, ओके। आप
बहुत डाउन है, ये गॉडेस आपको कह रही है कि आप बहुत डाउन हो, आप बाहर निकलो, आप थोड़ा सा अगर कोई वाटर बॉडी है पास, लाइक कोई रिवर है, बीच है, वहाँ जा कर के थोड़ा टाइम या किसी और नेचर के पार्ट में जा कर के वक्त गुजारो, ठीक है? आप अपनी बैटरीज को चार्ज करो। तो या और है आपके लिए लीप ऑफ फेथ, विश्वास रखो। आप में से कोई है जो जिसको कोई डिसीजन लेना है, रिस्क लेना है, आप एक कपड़े हैं, कपड़े आपने पर्पल या पिंक कलर के कुछ इस टाइप की चीज़ पहनी हुई है, आई एम सीइंग हेयर, एंड आप डर रहे हो किसी को काम करने से, रिस्क लेने से, एक्शन लेने से, लेकिन आपका दिल उसी में बचता है, आप वही चाहते हो करना, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, दैट इज़ नॉट राइट। गॉडेस एन है यहाँ पे, शी इज सिंग, आंखें बंद करो, विश्वास रखो और जस्ट जम्प इन, ओके? एंड व्हाट एल्स इज कमिंग इन योर डेस्टिनी, क्या कहना चाहते हैं गॉडेस एथेना? ओके, आपको कहती है कि देखो मेरे बच्चे, आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है? अपनी विजडम पर, खुद पर ट्रस्ट रखो और अप्रोप्रिएट एक्शन लो विदाउट डिले। पहलवान, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन का कहा जा रहा है, एक्शन लें, प्लीज़ टेक सम एक्शन। यस, योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन, ये भी इजिप्शियन गॉडेस हैं, गॉडेस बेस्ट, शी सेज़ कि आप इंडिपेंडेंट बनो सबसे पहले, ठीक है? और अपनी स्ट्रेंथ और सक्सेस जो है, आपकी जो सक्सेस है वो आपकी स्ट्रेंथ में छुपी है। जितने आप इंडिपेंडेंट रहोगे, उतने आप स्ट्रांग होगे, उतने आपका भाग्य और खुलेगा। ओके, अनडाइंग लव, गॉडेस आइसोट, शी इज सेइंग कि अगेन यहाँ पर सिचुएशन की बात आ रही है कि जो भी सिचुएशन है, वट एवर द केस इज, आपको आपका प्यार मिल कर रहेगा और ये मोहब्बत मरने वाली नहीं है। आपके लिए मैसेज है, आपने मल्टी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आई मीन उसमें बहुत सारे रंग हैं, एक कलर नहीं कह सकते कि इसमें क्या डोमिनेंट कलर है, तो आपको आपकी मोहब्बत मिल कर रहेगी, ठीक है? तो आपके ब्लैक ब्लैकिश हेयर हैं, थोड़े थोड़े वाइट भी आते हैं कभी कभी, आप डाई करते हो, आई डोंट नो, बट आई थिंक यहाँ पे कोई प्री मेच्योर ग्रेइंग है आपके बालों की। आपके लिए मैसेज है ये, आई थिंक आपने गले में कोई चेन वगैरह पहनी हुई है, एंड आपके हाथ स्लिम है, या आपके लिप्स थोड़े थोड़े फुलर लिप्स हैं, समथिंग रियली अनकंडीशनल इज कमिंग फॉरवर्ड फॉर माई लव पाइल नंबर वन। ओके, लेट्स सी चार्म्स, योर न्यू डेस्टिनी, वट इज देयर फॉर यू। ओके, वाओ, पाइल नंबर वन कुछ है जो बहुत जल्दी मतलब आ रहा है आपकी तरफ। यहाँ पे हॉर्स एनर्जी है, दैट रिप्रेजेंट्स एक्शन, ठीक है? ये एक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर से हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ये एक्शन आपके अपनी तरफ से है, ठीक है? एंड सम पीपल आर गोइंग टू फ्लाई, राइट? या तो ये अब्रॉड का आपका विजिट है, ठीक है? या आपके स्पाउस किसी ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ फ्लाइंग होती है, लाइक एयरफोर्स या एयरपोर्ट या कोई ऐसी चीज़, या कैबिन क्रू हैं, एयर होस्टेस हैं, कुछ इस तरह, पायलट वगैरह। एंड आपकी डेस्टिनी बदल रही है पायल नंबर वन, एक्सट्रीम ग्रेट ग्रेट शिफ्ट्स, लाइक एक्शन है, उड़ान है, यू सी, यहाँ पे कैट स्पिरिट है, विच इज़ टेलिंग मी मिस्टीरियसम, लाइक आप, हाँ, एक मैसेज मुझे, आई एम गेटिंग अ चैलेंज मैसेज फॉर यू, आपके ग्रे कलर के ग्रेश कुछ कुछ कपड़े हैं इस टाइप के, हाँ, या ब्लैकिश ग्रेश, बेबी डू नॉट टेल एनी बडी योर नेक्स्ट एक्शंस, ओके? डू नॉट शेयर विद एनी बडी, कुछ भी शेयर मत करो किसी से,
आप बहुत आगे जाने वाली हो, लेकिन वी विल आई कैन डिस्ट्रॉय एनी थिंग, बल्कि एवरी थिंग, ठीक है? डू नॉट टेल एनी बडी योर नेक्स्ट एक्शन, चुप चुप करके काम करो बस, जो भी कर रहे हो। यू आर लिटरली गोइंग टू फ्लाई, यू आर लिटरली गोइंग टू जस्ट लिटरली ब्लास्ट, ओके? अपने करियर में कह लो या किसी भी काम में। तो यहाँ पर यह है कि अपने इनर चाइल्ड को कभी भी आपने नहीं जाने देना, चाहे जितना भी हार्श इन्वायरमेंट है, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, नेवर लेट योर इनर चाइल्ड डाई, ओके? तो क्योंकि टेडी बियर स्पिरिट, ऑफ कोर्स यहाँ पे बियर स्पिरिट है, लाइक बीइंग, यू नीड टू बी फोकस ऑन योर इनोसेंस एज वेल। या सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, और अपना ख्याल रखना, बाय बाय। हेलो माय लव, पाइल नंबर टू, ये वाले आपके डेट्स हैं, कम ऑन, लेट्स सी कि क्या डेस्टिनी शिफ्ट आ रहा है आपकी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी सुपर नेचुरल पावर्स आपको कांटेक्ट कर रही हैं और वो आपसे क्या कहना चाहती हैं, ठीक है? ये डेक उसके लिए यूज़ होगा, लेकिन पहले मैं आपको आपकी डेस्टिनी शिफ्ट बता दूँ। व्हाट इज़ योर डेस्टिनी शिफ्ट, उसके बाद हम एंड में चार्म्स भी देखेंगे। सो डेस्टिनी है जी एम्परर, हर्मेट, पेज ऑफ फायर, ओके, टेन ऑफ अर्थ, वाओ, योर न्यू डेस्टिनी। वट इज योर न्यू डेस्टिनी, टेन ऑफ एयर, यूनिटी, वाओ, पेज ऑफ अर्थ, जी पाइल नंबर टू, आपकी जो डेस्टिनी है ना, मैं इधर देख पा रही हूँ, एक ड्रास्टिक चेंज है, डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन का डिसीजन है, कुछ बदला है ड्रास्टिकली, और आप, यू आर लिटरली फिगरिंग आउट कि क्यों हुआ, ठीक है? डिवाइन इंटरवेंशन बहुत बड़ी हुई है आपकी लाइफ में। टेन ऑफ एयर, एक ऐसा फेज़ आपकी लाइफ में एंड हुआ है जो कि आपने सोचा नहीं था कि कभी होगा ऐसा, ठीक है? एक बिग चेंज आया है, और फाइव ऑफ एयर, आप अभी तक भी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, ठीक है? लेकिन ट्रस्ट मी, यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि ये जो चेंज था ना, दैट वाज फॉर योर ओन बेटरमेंट, आपकी भलाई के लिए था। अगर ये चीज़ ख़त्म ना होती तो कभी भी यूनिटी आपकी लाइफ में नहीं आनी थी जो कि अब आ रही है, ठीक है? लेट मी गिव यू अ वेरी बिग न्यूज़, पाइल नंबर टू, ओ माय गॉड, लाइक एम्परर एनर्जी, समबडी एक्सट्रीमली कमिटेड, ऑर्गेनाइज्ड, लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन पर्सन इज एंटरिंग इनटू योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में गाइस, ओ माय गॉड, टेन ऑफ अर्थ, यू सी अ हैप्पी पर्सन, हैप्पी लाइफ, फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल सिक्योरिटी, बिग फैमिली, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट की है आपने खुद, ठीक है? और आप में से जो जो लोग भी अकेले हैं, लोनली लाइफ बहुत गुजारी है, आप पांच नंबर इम्पोर्टेंट है आपके लिए, माय बॉर्न हो आप, माय आपकी लाइफ पैथ नंबर पांच है, या कुछ है ऐसा, आपको आर्कएंजल सैंडल फोन है यहाँ पे, लाइक यूनिटी, यू आर लिटरली गोइंग टू यूनाइट विद योर सोलमेट, ठीक है? आपका सोलमेट जो है वो आपकी लाइफ में आना चाहता है। इनकी जो जोडेक साइन है, वर्गो बहुत प्रोमिनेंट है, वर्गो एरिस और कैप्रिकॉन टॉरस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स हैं आपके चार्ट में या उनके। तो बहरहाल यहाँ पर सिचुएशन ये बनी हुई है कि आप एक चीज़ के पीछे बहुत रोए हो पाइल नंबर टू, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं थी। डिवाइन ने कुछ नया किया है, आपको डिवाइन कुछ नई चीज़ दे रहा है, ठीक है। आप बस चुप करके तमाशा देखो, हर्मिट मोड में जाओ, हर्मिट मोड में जाओ पाइल नंबर टू। आपको बिग मैसेज है पाइल डिवाइन की तरफ से, गो इन टू दी हर्मिट मोड। हर्मिट मोड क्या होता है? हर्मिट मोड वो होता है जिसमें हम डिवाइन के कामों में बोलना बंद कर देते हैं, चुप करके अलहदा हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, कहते हैं अब जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए ही हो रहा है, मेरा कोई काम नहीं है बीच में इंटरफेरेंस करने का, लेट यूनिवर्स डू इट्स मैजिक फॉर मी। यूनिवर्स को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूं, ठीक है। द थिंग इज़ हेयर कि आपको अबंडेंस बहुत मिल रही है, यू सी 10-10 आपको दो दफ़ा आए गाइस, कंप्लीशन है, न्यू स्टार्ट है। आपको नहीं समझ आपको कि क्यों आपकी लाइफ में ये सब कुछ होता है, तो सब कुछ आपके भले के लिए हुआ है। आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, दिस इज़ फॉर श्योर, 110% यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए, ठीक है। एंड अकेले लोग जो हैं, जो भी ऑब्वियसली आपको कोई पर्सन मिलने वाला है जिसके साथ आप यूनाइट होने वाले हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो। आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, अपनी हेल्थ ठीक करो सबसे पहले। बेशक आप ओवरवेट हो, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्किन प्रॉब्लम है, किसी को यहाँ पर हेयर प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, कुछ इस तरफ ध्यान दो अपने बॉडी की तरफ। आपकी बॉडी इज़ डाइंग, योर बॉडी इज़ लिटरली डाइंग, ओके। तो या स्पिरिचुअली तो मैंने आपको बता दी क्या करना है, लेकिन आपकी बॉडी को भी आपकी ज़रूरत है, ओके। सो थोड़ा सा ध्यान दो। अच्छा जी, लेट्स सी कि कौन से आपको सुपर नेचुरल पावर्स कॉन्टेक्ट करना चाह रही हैं, आई मीन गॉड, एंजल, डेमन्स, कौन, क्या मैसेज है आपके लिए उनकी तरफ से? गॉडेस आइरीन, पीस, देयर इज़ नो नीड टू वरी, शी इज़ सेइंग एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। आपके लिए मैसेज है कि परेशान नहीं होना, बी एट पीस, हर चीज़ अपने वक्त पर खूबसूरती से हो रही है, ठीक है। यू आर मैनिफेस्टिंग अ ब्यूटिफुल बेबी इन नियर फ्यूचर, कमिंग 4 ईयर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके गोद में होगी बच्ची अगले 4 सालों में। आई सेड बच्ची, तो मे बी शी इज़ अ बेबी गर्ल, कैन बी अ बेबी बॉय, ठीक है। आपकी आपके पर्पल या वाइट कलर के कपड़े हैं आई थिंक, या आपने शायद ग्रेप्स खाए हैं आजकल में, ग्रेप्स ग्रेप्स, आई एम कनेक्टिंग विद ग्रेप्स, या आपने देखे हैं ग्रेप्स, या आपका दिल कर रहा था खाने का। यू आर लिटरली मैनिफेस्टिंग अ वेरी ब्यूटिफुल चाइल्ड कमिंग 4 ईयर्स, ओके। आपकी गोद में हो गई बच्चा जी। गॉडेस ब्रिगिट आपको कह रही हैं कि स्टैंड अप फॉर वट यू बिलीव इज़ राइट, ठीक है। आप इंडिसियन मोड में हो, कोई यहाँ पर ग्रीन कलर के कपड़े हैं आपके, टील या ग्रीन, सी ग्रीन, सी ब्लू, ओशन ब्लू, आपको एक डिसीजन लेना है, बट यू आर अनएबल टू टेक दैट वेरी डिसीजन। आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, या मुझे सारे गलत कहेंगे। डोंट थिंक लाइक दैट बेबी, ओके, यू आर अ ग्रोन अप। अपने डिसीजन पे कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करो, नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर ड्रीम और गो फॉर इट। और कौन सा स्पिरिट गाइड कह रहे हैं? सेज क्वाइट टाइम, बहुत थक चुके हो आप दुनिया की भाग दौड़ में, दुनिया को खुश करते करते खुद की खुशी कहीं खो गई है आपकी। आपको खुद के लिए रेस्ट चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, कुछ वक्त खुद पे के लिए गुजारो, ठीक है। और आई थिंक आप अपने काम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, आपका बहुत ज़्यादा लाइक ओवर बर्डन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, ओके। ट्रू लव, ये स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि लाइक आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत जागी है, ठीक है। एंड ये यूनिवर्स की प्रेपरेशन है
कि वो आपके लिए सच्ची मोहब्बत लेकर के आए। ओके, यूनिवर्स इज़ रेडी टू डिलीवर ग्रेट लव टू यू। ये आपको स्पिरिट गाइड्स आपको कांटेक्ट करके बताना चाह रहे हैं। एक ट्रू लव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुका है। एंड या गॉडेस डायना, फोकस्ड इन अपने काम पर फोकस्ड रखो। आपकी थॉट्स उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से यहाँ, यहाँ से वहाँ। प्लीज़ अपनी इधर उधर की चीज़ों को कंसंट्रेट करके एक जगह पर फोकस करें और फिर देखना अपना रिजल्ट। ये आपके करियर को फोकस है, आपके कपड़े हैं भी एक वो जो कलर होता है ना, लाइक आई डोंट नो उस कलर को क्या कहते हैं, बट थोड़ा गाजरी कलर का, लाइक द कैरेट कलर, ये वाला कलर, इस कलर के कपड़े हैं आपके। पता नहीं क्या कलर है, आई डोंट नो इस कलर का क्या नाम है, न्यूड है थोड़ा सा। तो या आपके करियर पे रिमार्केबल चीज़ें आ रही हैं, रिमार्केबल। ओके, सिर्फ फोकस की ज़रूरत है, भूल जाओ सब इधर उधर की चीज़ें, सब कुछ देखो, मेरी बात सुनो। आपके पायल ने पता क्या मसला है, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो कि आप करने वाली है ही नहीं, जो कि डिवाइन ने करनी है। ठीक है, उसने आपका पीस डिस्टर्ब किया हुआ है, पीस ऑफ माइंड। आप बजाय उन चीज़ों पे फोकस करने के कि जो रियली मैटर करती हैं, आपका करियर जिसको आपने करना है, वो काम छोड़ के आप वो काम कर रहे हो जिसने जो डिवाइन ने करना है, वो आपने करना ही नहीं है। समझो, यहाँ गलती हो रही है आपके। ये आपको स्पिरिट गाइड कह रहे हैं आप अपना काम करो, यूनिवर्स को अपना काम करने दो। आप यूनिवर्स का काम ना करो, ना आप कर सकते हो, आपका काम आप ही ने करना है। उस चक्कर में ही अपना काम भी भूल जाते हो और यहाँ पर भी टेंशन में फिर अपना काम भी नहीं होता, और वो तो वैसे भी आपका काम करने वाला है ही नहीं है जिन चीज़ों पर आप उधर फोकस्ड हो। ओके, गॉडेस ग्रीन तारा, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखें ब्लाइंड। ठीक है, डिवाइन पर ब्लाइंड ट्रस्ट रखें और सब कुछ खुद से करने की कोशिश मत करें। मैंने आपको अभी भी यही मैसेज दिया था ना, देखें गॉडेस तारा ने भी आपको यही मैसेज किया है, एस्क मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग बाय योर सेल्फ। ये मैसेज है कि खुद अपना अब्बा बनने की कोशिश मत करें। ठीक है, जो अब्बा होता है वही अब्बा होते हैं, ठीक है ना। तो लेट गॉड डू थिंग आपके लिए, आप सिर्फ अपने करियर वगैरह पे फोकस करो जिस जो आपके हाथ में है। चलो, गॉडेस डायना हाई प्रिस्टेस, आपके पास डिवाइन नॉलेज है, आप अपने स्पिरिचुअल टीचिंग्स से खुद को हील कर सकते हो, दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हैं जो कि दे आर प्रोफेशनल हीलर्स, हु आर टैरो रीडर्स, तो या आप अपनी जो हो टीचिंग्स से काफ़ी हद तक आगे जा सकते हो और काफ़ी हद तक आप लोगों को गाइड कर सकते हो। गॉडेस एस्थर है, ये इजिप्शियन गॉडेस है जी। हेल्दी बाउंड्रीज अपनाएं, इनकी तरफ से मैसेज है कि लव योरसेल्फ एंड से नो टू अदर्स। अपना वक्त और एनर्जी लोगों पर ज़ाया मत करो। ठीक है, जिसको आपने नो कहना है ब्लंटली से नो, यू नो, नो आई कांट हेल्प यू, नो आई कांट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप विद यू, दिस इज़ गेटिंग टॉक्सिक, आई एम सॉरी, गेट लॉस्ट। आई एम लिटरली सेइंग दिस टू यू, लाइक लिटरली से दिस, जस्ट गेट लॉस्ट, राइट, दिस विल मेक यू पावरफुल। ये चीज़ आपको और शक्तिशाली बनाएंगी। कह के तो देखो किसी को नो, अपनी शक्ति से देखना फिर अपनी वाइब्रेशन। ना नहीं कह सकते आप, मसला बड़ा है आपका। ओह माय गॉड, गॉडेस मैरी, मदर मैरी, एक्सपेक्ट
मेरेकल, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपकी लाइफ में एक मेरेकल आने वाला है, बहुत बड़ा मेरेकल। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। ईमान रखो, विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी दुआ की है, प्रार्थना की है, वो सुन ली गई है और अब उसका जवाब आ रहा है ऊपर से, ठीक है, मिरेकल की सूरत में। ओह माय गॉड, आई लिटिल गॉट गूज पम्प्स ये कार्ड देखकर, क्योंकि ऑफ कोर्स मिरेकल्स तो होते ही। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए चांस देखते हैं आपके लिए, पाइल नंबर टू। आई एम सीइंग अगेन, यहाँ पे कोई है भाई, ओह माय गॉड, व्हाई आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन चैनल मैसेज। कोई लड़की है भाई यहाँ पर, हु इज़ रियली वरीड अबाउट चाइल्ड, बच्चा नहीं हो रहा, शी इज़ नॉट कंसीविंग और मे बी शी इज़ लिटरली अनमैरिड एंड शायद उसकी एज हो रही है या उनको कोई परेशानी है कि मेरा बच्चा कैसे होगा। आई मीन शी लिटरली वॉन्ट्स बेबी। माई लवली चाइल्ड, यू आर मैनिफेस्टिंग, यू हैव मैनिफेस्टेड ऑलरेडी, आपने, डिवाइन ने आपकी किस्मत में बच्चा लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैं बहुत परेशान हूँ, ठहर जाओ, ठहरो, चांस बाद में होंगे, पहले मैं आपकी परेशानी दूर करूँ, मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज आए। लेट मी सी यू, आप कितनी देर में अपना बच्चा वेलकम आपकी लाइफ में। हैव फेथ, ओके, एक मिनट, लेट मी टेल यू, बच्चा, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, अनमैरिड है आप, ओह माय गॉड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून एरीज टॉरस गाइज, कमिंग समर, कमिंग समर, नेक्स्ट समर, टॉरस और एरीज जो सीज़न है, टॉरस एंड एरीज सीज़न, आई मीन मई अप्रैल, मार्च, अप्रैल और मई, अगले 3 महीने में यू विल डेफिनेटली हियर गुड न्यूज़ बच्चे की, यू विल कंसीव, ओके। और दूसरा यहाँ पे है कि यू नीड ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आई मीन बच्चे की ख्वाहिश तो है बट यू आर नॉट मैरिड येट माई बेबी, आपको पहले शादी की ज़रूरत है फिर बच्चा होगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो आपके पहले ही डिवाइन शादी करवाएंगे फिर आपका बच्चा होगा, राइट, ये परेशान मत होना कि मेरा बच्चा नहीं होगा, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू टू कनेक्ट विद दी एनर्जी, आप के कपड़े, यू आर वेयरिंग पर्पल ड्रेस, पर्पलिश, रेडिश पर्पल, कुछ इस टाइप मिक्स कलर है आपका, सी ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक, इनमें से कोई कपड़े हैं आपके। सो या, लेट मी गिव यू योर चांस नाउ, टेस्टिंग, ओह माय गॉड, मैरिज, मैरिज प्रपोजल, राइट, इन योर डेस्टिनी, स्वान, वाओ गाइज, आपका जो पार्टनर है लिटरली वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू, बहुत आपको याद करते हैं, बिकॉज दिस इज सिंगल स्वैन, आप दोनों दोनों ही सेपरेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लाइंग बर्ड है, आपकी किस्मत ऐसे ना ऊपर, ऐसे स्वीप करके ऊपर जाने वाली है, ठीक है। आप बहुत ही खूबसूरत बनने वाले हो अगले 4 महीनों में। Somebody is, I think, trying to lose weight. आप कोई स्किन थेरेपी करा रहे हो, कुछ करवा रहे हो, 4 महीने बाद आपकी लुक देखने वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे बी स्पिरिट है, डेफिनेटली सो मच लक इज कमिंग, राइट, कमिटेड पर्सन, ये क्या है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे किटन स्पिरिट है भाई, वाओ, कैटीज, 3 कैटीज, यू आर सो सेक्सी, यू आर सो ब्यूटिफुल, मिस्टीरियस फॉर योर पर्सन, ओके, एंड ही लिटरली आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत प्यारी सी चीज़ हो, ओके, एंड दिस इज़ लाइक सो मच कमिटेड पर्सन कि आपको शादी की ऑफर करने वाला है, गिविंग यू रिंग, वेडिंग रिंग, ओके। एंड या, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखना जब तक, बाय बाय, टेक केयर।